मैं निर्भया हूँ, आप तो मुझे जानते ही होंगे। हाँ सही समझा, मैं वही निर्भया हूँ जिसका चलती बस में 6 लोगों ने रेप कर दिया था और फिर मरने के लिए बस से बाहर फेंक दिया। आप लोगों ने मुझे न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किए, कैंडल मार्च किए, सड़कों पर उतर आए कि फिर किसी और निर्भया को ऐसी घटना का सामना ना करना पड़े। आज इस बात को 7 साल से भी ज़्यादा हो चुके, पर क्या बदला इन 7 सालों में? क्या मुझे न्याय मिला? क्या इस देश में कोई और लड़की निर्भया बनने पर मजबूर नहीं हो रही? मैं भी निर्भया बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। एक डॉक्टर का काम होता है लोगों को ठीक करना और उनकी जान बचाना, लेकिन मैं खुद को नहीं बचा पाई। रेप के बाद जिंदा जला दिया उन लोगों ने मुझे। मैं भी निर्भया बोल रही हूँ, बस फर्क इतना है कि इस निर्भया को कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि इस निर्भया के साथ क्या हुआ, किसने किया। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपनी फैमिली वालों को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। फैमिली वालों ने मुझे चुप रहने के लिए बोला कि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों की बदनामी हो जाए। मैं हर रोज इस दर्द का बोझ लिए घुट-घुट के बाल रही हूँ। निर्भया? हाँ हूँ मैं निर्भया। निर्भया का मतलब जिनको कोई भय ना हो, जो निडर हो वो निर्भया है। मैंने भी निडर होकर विरोध किया, विरोध किया अपने इज्जत के ऊपर हाथ डालने वालों का, विरोध किया अपने तरफ बुरी नजर से देखने वालों का। लेकिन जब विरोधी कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता हो, तो उस विरोध की सजा निर्भया के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मिलती है। दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है उस विरोध को, उस विरोध से निकलने वाली आवाज को पुलिस प्रशासन बस तमाशा देखते हैं। हाँ मैं पहचाना, निर्भया। हमने तो तुमको मार दिया था। हाँ मार दिया था तुमने मुझे, मुझे तो मार दिया था, पर मेरी आत्मा आज भी यहाँ है तुम लोगों को मरता हुआ देखने के लिए। कौन मारेगा हमें? तुम्हारा कानून? कानून के साथ हम 7 सालों से खेलते हुए आ रहे हैं और तुम्हारी आत्मा इन 7 सालों में न्याय के लिए सिर्फ दर दर की ठोकरें खा रही है। हाँ मुझे 7 सालों में न्याय नहीं मिला, पर मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है जितना इस बात का है कि इन 7 सालों में और भी कई सारी निर्भया पैदा हो गई है। अगर मुझे न्याय मिलने में देरी नहीं हुई होती तो तुम जैसे लोगों के मन में डर होता और कई सारी लड़कियां निर्भया बनने से बच जाती। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आगे से किसी भी निर्भया को न्याय पाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे भरोसा है अपने देश पर जहाँ लड़कियों की पूजा होती है, कि आगे से जब भी कोई लड़की आधी रात को भी घर से बाहर निकले तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मुझे भरोसा है अपने संविधान पर, अपने कानून पर, कि आगे से किसी भी निर्भया का दोषी कानून का इस तरह मजाक न बना पाए। अब न होगी निर्भया वाली रात, क्या हर कदम मिलेगा मुझे आपका साथ? फिर जो आपने साथ दिया मेरा, नहीं रहेगा डर का अंधेरा। तभी बदलेगा ये समाज जब हर घर से मिलेगा संस्कार। कपड़े मेरे देखे क्यों? क्या इतने दूषित है तुम्हारे विचार? कैंडल मार्च ना चले अब, मेरे ख्वाब ना जले अब। हैप्पी विमेंस डे।